मुश्क, तुम पागल हो गई हो। किसी को पता नहीं चलेगा अबू जी अम्मी जी घर पे नहीं है, घंटे डेढ़ घंटे में वापस आ जाऊंगी। प्लीज प्लीज अम्मा प्लीज। देखो मेरी अकल तो अभी तक सलामत है और मेरे पास है, वो कोई घास चढ़ने नहीं गई है। मैं अम्मी अबू से नहीं पिटूंगी। मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होगा। और जिंदगी में छोटे मोटे एडवेंचर नहीं किए तो फिर क्या किया, इससे बेहतर तो बुढ़ापा अच्छा है। ये तुम नहीं हो, ये जो सहबा नवीद खान है ना, उनकी तालीमात बोल रही है। तुम जो मर्जी सोचो, मैं जा रही हूँ। मुश्क, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी देर हो गई हो कि तुम आधी रात को अम्मी अबू की इजाजत के बगैर अकेले जाओगी टैक्सी में? जी हाँ, क्योंकि मेरी बहन मेरा साथ नहीं दे रही, मुझे इतना ही दलेर होना पड़ेगा। तुम नहीं मानोगी ना, ये जादू है ना, यही तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है। देखो अगर किसी को इतनी सी भी भिनक हो गई ना, तो इस घर से तुम्हारे बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। अंबर तुम ओवरथिंक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी को पता चले सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज प्लीज यार। अच्छा ठीक है, तुम सिर्फ 10 बजे तक जाओगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और ये वक्त भी मैं किस तरह कांटों पे लौट के गुजारूंगी, तुम्हें आइडिया भी है? हाय मेरी प्यारी बहन।